देखो, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया और ये मैसेज चला गया तुम लोग के पास और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। ओके अच्छा देखो, हम लोग इस क्लास में सब्सिडियरी बुक्स कर रहे थे, जिस लास्ट 2 वीक क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। तो सब्सिडियरी बुक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था और बस एक ही क्लास हो पाया था हमारा, ठीक है। तो पहले मैंने तुम लोग को ये समझाया था कि सब्सिडियरी बुक्स का नीड क्या है, क्यों हम लोग सब्सिडियरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं, और देखो कितने तरह का सब्सिडियरी बुक्स होता है वो बताया था, और किसमें क्या रिकॉर्ड होता है, जिसमें हम लोगों ने परचेज बुक का एक क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो परचेज बुक हम लोगों ने ये लास्ट क्वेश्चन, ये कुछ हवाई चप्पल, रेक्सोना हवाई चप्पल, पालकी हवाई चप्पल, ऐसा कुछ था ये वाला क्वेश्चन शायद, मुझे जितना याद आ रहा है क्या था देख लेते हैं, अजय एंटरप्राइज, अच्छा ये वाला क्वेश्चन लास्ट था, ये बालाजी अजय और ये त्रिपति, ठीक है। तो पोस्टिंग भी हम लोगों ने किया था, ये देखो परचेस बुक से कैसे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं सब्सिडियरी बुक से, ठीक है। अभी देखो सेल्स बुक के बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। सेल्स बुक क्या होता है, देखो नॉर्मली सब्सिडियरी बुक्स, जस्ट एक बार तुम लोग को रिकॉल करवाते हैं, क्यों हम लोग बनाते हैं, जो ट्रांजैक्शन बहुत फ्रीक्वेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सेल का हो सकता है, परचेज का हो सकता है, ये देखो कैश का हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं ताकि जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। ताकि ये देखो एरर फाइंड आउट करना पॉसिबल हो जाए, बर्डन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और क्लरिकल जो है मतलब हेवीनेस है वो भी कम हो जाए, इस वजह से हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। तो सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में जस्ट लाइक परचेज डे बुक, जैसे परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता था मर्चेंडाइज गुड्स का, मर्चेंडाइज मतलब जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। सिमिलरली सेल्स बुक में देखो क्या रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगा, उस प्रोडक्ट का क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब मान लो मेरा ग्रोसरी शॉप है और मैंने एक फर्नीचर बेच दिया, सपोज मेरा एक फर्नीचर था जो बेकार हो गया था, मुझे बेचना था, मैंने बेच दिया, क्रेडिट में बेच दिया, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि मेरा फर्नीचर शॉप नहीं है, मेरा ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है गुड्स डील्ड इन बाय द फर्म, मतलब बिजनेस जिस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं, मेन फोकस जिस पे है, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं। कैश सेल्स जो है वो कैश बुक में जाएगा क्योंकि उसका एंट्री क्या होता है, उसका एंट्री होता है कैश टू सेल्स, ठीक है। तो ये कभी भी हमारे सेल्स बुक में नहीं आएगा, सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स आता है क्योंकि सेल्स बुक में हम लोग डेटर का नाम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोल रहा है एंड नॉट इन द सेल्स बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश सेल्स सेल्स बुक में नहीं होगा। क्रेडिट सेल्स ऑफ थिंग्स अदर देन द गुड्स डील्ड इन बाय द फर्म आर नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स जो भी चीजों का होगा अदर देन गुड्स डील्ड इन बाय द फर्म, ठीक है, फर्म जिस चीज में बिजनेस कर रहे उसके अलावा, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक फर्नीचर बेच दिया मेरा, वो सेल्स बुक में एंटर्ड नहीं होगा, ठीक है। दे आर जर्नलाइज्ड, उसका जर्नल एंट्री डालना पड़ेगा, ठीक है, उसका जर्नल एंट्री, जैसे फर्नीचर बेच दिए तो डेटर टू फर्नीचर, ठीक है, डेटर टू फर्नीचर हो जाएगा, लेकिन वो सेल्स बुक में नहीं आएगा, वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा हमारा जर्नल बुक पे। तुम लोग देखो यहाँ पर मैंने लास्ट दिन लिखवाया भी था, कैश बुक में जस्ट क्या आता है, कैश ट्रांजेक्शन, गुड इवनिंग सोनाली। गुड इवनिंग। अच्छा देखो कैश बुक में, सॉरी कहाँ चला गया मेरा ये, हाँ कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन, परचेस बुक में ओनली क्रेडिट परचेस, सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स, परचेस रिटर्न में क्रेडिट परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न में सेल्स मतलब क्रेडिट सेल्स का रिटर्न, बिल्स पेएबल में बिल्स का जो होता है, तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था, बिल्स पेएबल फॉर बिल्स एक्सेप्टेड, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल फॉर बिल्स रिसीव्ड, और जर्नल प्रॉपर, ये कहाँ पर आता है, जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड होता है, जो भी ट्रांजैक्शन इधर कवर नहीं होगा, ये सब में कवर नहीं होगा वो यहाँ हो जाएगा। देखो मैं हम यहाँ पर दिखाते हैं जो हम लोगों ने लिखा था लास्ट, ये देखो फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, अगर कहीं इसी ये सब जगह पे कहीं पर नहीं होता है देन जर्नल प्रॉपर में वो होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग क्रेडिट सेल का देखो कैसे दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर जो भी बताया कि किस तरह से हमें प्रेजेंटेशन वगैरह करना है, हम लोग जैसे सीखे थे वैसे ही करेंगे। ये देखो पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3, यहाँ पर क्या बोला है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन ऑफ द ईयर 2020 एज पर देयर बेस्ट बुक, ठीक है।
मेक आउट देयर सेल्स बुक, हमें उनका सेल्स बुक बनाना है, सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट. ठीक है, तो मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा को क्या बेचते हैं, 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 8800 पर शर्ट, 20 ट्राउजर एट द रेट ऑफ 1000 पर ट्राउजर, और ये कुछ ट्रेड डिस्काउंट दिखा रहा है. अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, सोल्ड फर्नीचर. अब यहाँ बोल रहा था कि क्या बेच रहा है, शर्ट्स. देखो यहाँ पर जो है इनका जो सेलिंग बता रहा है शर्ट्स ट्राउजर, तो इससे तो लग रहा है कि इनका कपड़े का दुकान है ना, क्लॉथ्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है फर्नीचर बेचा गया है क्रेडिट में. फिर बोल रहा है 50 शर्ट्स जैन एंड सन को बेचा है 800 पर शर्ट. फिर 13 शर्ट टू चीप स्टोर बोल के कोई है, उनको बेचा गया है. फिर शर्ट्स बेचा है, फिर ओवरकोट. ठीक है, ओवरकोट वगैरह बेचा है. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ के तुम लोग को क्या लगता है, क्या इनका फर्नीचर का दुकान है या फिर शर्ट्स वगैरह का दुकान है, क्या लगता है बताओ, बोलो क्या लगता है, फर्नीचर का दुकान है या शर्ट्स का दुकान है, मतलब क्लोथ्स कपड़े का दुकान है या फर्नीचर का है. फर्नीचर का तो एक ही ट्रांजेक्शन था, लेकिन वो भी क्रेडिट में बेचा है, लेकिन मैक्सिमम ट्रांजेक्शन तो तो कपड़े का दुकान होगा ऑब्वियसली. ठीक है, कपड़े का दुकान होगा क्योंकि फर्नीचर जो है, फर्नीचर तो एक ही बार दिखा रहा है, क्रेडिट में बेचा है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा था. ठीक है, ये जरूरत नहीं था, इन्होंने बेच दिया. तो अब हम लोग रिकॉर्ड कौन कौन सा, डेटर का रिकॉर्डिंग करेंगे जो भी क्रेडिट सेल होगा. तो मुझे बताओ क्या गुप्ता एंड वर्मा का रिकॉर्डिंग होगा, क्या गुप्ता वर्मा को क्रेडिट में बेचा गया है, देखो क्या गुप्ता वर्मा का रिकॉर्डिंग होगा, क्योंकि सेल्स बुक में वही रिकॉर्ड होता है जो हमारा क्रेडिट में बेचा जाता है. तो बोलो तुम लोग क्या गुप्ता एंड वर्मा का रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा. अरे हाँ ना बताओ, ये होगा. ठीक है, अच्छा क्या ये फर्नीचर वाला रिकॉर्डिंग होगा, बताओ क्या ये फर्नीचर वाला रिकॉर्डिंग होगा, बोलो फर्नीचर का रिकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा. क्या ये मर्चेंडाइज गुड्स है, मतलब क्या ये हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है फर्नीचर बेचना, क्या इसका रिकॉर्डिंग होगा? नो मैम. नहीं, चाहे क्रेडिट में करे चाहे कैश में करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश वाला तो होना नहीं है, क्रेडिट में ही है, फिर भी नहीं होगा. उसके बाद जो जैन एंड सन को शर्ट बेचा गया, क्या उसका रिकॉर्डिंग होगा? देखो लिखा हुआ है सोल्ड 50 शर्ट्स, क्या ये क्रेडिट सेल है, तब रिकॉर्ड जरूर होगा. क्या लग रहा है पढ़ के? हाँ बोलो. बोलो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये क्रेडिट में हुआ है और 13 क्रेडिट क्योंकि नाम दिया हुआ है ना डेटर का. अच्छा इसके बाद 13 शर्ट्स जो है क्या वो रिकॉर्ड होगा बताओ, 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर्स क्या रिकॉर्ड होगा? नो मैम. नहीं, क्यों नहीं होगा बताओ, सही हुआ आंसर, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कैसे खरीदा गया? हाँ कैश है तो रिकॉर्ड नहीं होगा. फिर उसके बाद सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन, उनको बेचा गया है तो क्या ये होगा? ये तो बता ही रहा है साफ साफ क्रेडिट में, है ना. और देखो क्या बेचा है, शर्ट्स बेचा है, होगा. ठीक है, तो हम लोग इसका रिकॉर्डिंग देखो कैसे करेंगे. तो जैसे परचेज डे बुक का स्ट्रक्चर था ना, उसी तरह से हम लोग कॉलम वाइज कर सकते हैं. अच्छा यहाँ पर लिखते हैं सेल्स बुक. डेट पर्टिकुलर्स डिटेल्स और अमाउंट. अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या क्या डेट दिया हुआ है, 2020 ईयर जो है 2020. वैसे खास डेट कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे पर्टिकुलर कुछ फर्स्ट मार्च कुछ भी हो, अप्रैल हो, अगस्त हो, जो भी हो, वैसे तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ईयर का दिया हुआ है 2020. तो हम लोग ईयर लिख देते 2020. गुप्ता एंड वर्मा ये वाला पहले रिकॉर्ड होगा, तो डेटर का नाम रिकॉर्ड करते हैं मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा. मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा इनको क्या बेचे, ये डिटेल्स लिखेंगे. 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट, 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट्स. अच्छा ये कितना हो जाएगा, 30 × 800, ये हो गया 8 × 3 = 24,000. ठीक है, ये 24,000 हो गया. और कुछ ट्राउजर्स बेचे थे, देखो 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 1000 एट द रेट ऑफ 1000.
पर शर्ट्स, सॉरी पर ट्राउजर होगा, ट्राउजर था ना, पर ट्राउजर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। तो 20 + 24 ये कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 44,000। अच्छा अब 44,000 तो हो गया, बट ट्रेड डिस्काउंट भी मिला था, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो लेस हो जाएगा, हमें डिस्काउंट मिला है, जैसे डिस्काउंट मिलने से प्राइस कम हो जाता है, तो यहाँ भी हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो ये कितना हो जाएगा 4,400, 44 का 10% 4,400, तो यहाँ पर कितना आएगा, गुड इवनिंग स्नेहसूस, गुड इवनिंग मैम, 44,000 और 4,400 देखो तो कितना आ जाएगा 39,600, ठीक है। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ये आ रहा है 39,600। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर वही डेट का कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स डिटेल्स और अमाउंट। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये सोल्ड फर्नीचर तो नहीं आएगा, क्रेडिट में है तो क्या हुआ, मर्चेंडाइज गुड्स नहीं है, मेसर्स जैन एंड सन ये आ जाएगा, मेसर्स जैन एंड सन, ठीक है। ये कितना है, इन्होंने क्या, इनको क्या बेचा गया है, इनको बेचा गया 800 पर शर्ट्स, 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 800 पर शर्ट। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40। अच्छा इसमें तो और कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, देख सकते हो, देखो इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते, इसका कोई डिटेल्स तो नहीं बनेगा, इसका एक ही मतलब, यहाँ पर जैसे दो आइटम था, ट्रेड डिस्काउंट था, इसीलिए डिटेल्स में लिख के अमाउंट में लिख दिया। अब यहाँ पर अगर डायरेक्टली अमाउंट आ रहा है, डिटेल्स का और कोई जगह नहीं है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर मेसर्स जैन एंड सन ये तो हो गया, उसके बाद 13 शर्ट टू चीप स्टोर्स ये होगा। अच्छा चीप स्टोर्स ये नहीं होगा, सॉरी ये कैश है ना, नहीं होगा। अच्छा सोल्ड ऑन क्रेडिट टू, अच्छा ये वाला होगा, मेसर्स माथुर ये वाला होगा, मेसर्स माथुर एंड जैन 100 शर्ट्स देखो एट द रेट ऑफ 750 पर शर्ट, एट द रेट ऑफ 750, तो ये कितना हो जाएगा 75,000। अब इसमें दो डेटा है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है 10 overcoat 5,000 पर ओवरकोट, 10 overcoat एट द रेट ऑफ रुपीज 5,000 करके, तो 5,000 और ये मिला के 50,000 हो जाएगा, ठीक है 50,000, तो टोटल हो गया 1,25,000 आएगा, 1,25,000 हो गया। अच्छा अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा, तो लेस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है 10%, तो एट द रेट ऑफ 10%, तो ये कितना हो जाएगा 12,500, तो माइनस कर लो 1,25,000 इंटू 10% माइनस इक्वल टू, तो 1,12,500। अब इसका एडिशन करो 1,12,500 और यहाँ पर 39,600 और 40,000 था, तीन डेटा था, 1,92,000, ये देखो कितना आ जाएगा 1,92,100, ये हमारा बन गया टोटल, ठीक है ये हमारा टोटल हो गया। अब इसका पोस्टिंग भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे परचेज बुक में किया था, ये देखो यहाँ पर पोस्टिंग दिखाया नहीं, लेकिन हम तुम लोग को दिखा देते किस तरह से हमें पोस्टिंग करना चाहिए, कुछ नहीं, जैसे हम लोग परचेज बुक का किए थे सेम उसी तरह से होगा। तो परचेज अकाउंट बनता है और अगर हमारा जो भी खर्चा रहेगा उसका अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। पोस्टिंग में क्या क्या बनेगा, हमारा एक सेल्स अकाउंट बनेगा और जितने भी डेटर थे उनके अलग अलग नाम होंगे, बाकी तो खर्चा या फ्रेट वगैरह कुछ है नहीं। तो सेल्स अकाउंट बना लेते हैं पोस्ट करने के लिए, और तीन हमारा डेटर था, एक पहला वाला था गुप्ता एंड वर्मा, ये देखो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा रिकॉर्डिंग था, पहले गुप्ता एंड वर्मा, तो यहाँ पर लिखते हैं मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा, इसमें पोस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सब्सिडियरी बुक हमारा क्या होता है, जर्नल ही होता है लेकिन एक अलग फॉर्मेशन में, ठीक है। मेसर्स जैन एंड
माथुर एंड जैन था, मैंने पहले इनका नाम लिख दिया, माथुर एंड जैन। और अच्छा जैन एंड सन भी था, मेसर्स जैन एंड सन, ठीक है। तीन डेटर था, मैंने तीनों डेटर का नाम जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, मतलब अकाउंट ओपन कर लिया। अब कैसे लिखेंगे, देखो लास्ट तीन परचेज में कैसे लिखा था हम लोगों ने, परचेज बुक, हम लोग परचेज बुक क्यों बनाते हैं, ताकि हमें अलग अलग परचेज का रिकॉर्डिंग ना करना पड़े, इनके लिए अलग इनके लिए अलग, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल जो अमाउंट आ रहा था परचेज का वो हम लोग लिखते रहे थे, द अमाउंट अमाउंट एज पर परचेज बुक, ठीक है। क्योंकि हमारा एंट्री क्या होता है, नॉर्मली परचेस टू क्रेडिटर होता है, परचेस टू क्रेडिटर होता है, इसी वजह से परचेस अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं। और हमारा क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, क्रेडिट सेल का एंट्री होता है डेटर टू सेल्स, ठीक है। तो डेटर टू सेल्स होता है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई टोटल अमाउंट, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, बाई टोटल अमाउंट एज पर सेल्स बुक या फिर सेल्स डे बुक, कितना 1,92,100। अगर हम लोग इंडिविजुअली लिखते, जैसे बाय डेटर लिखते हैं, उसके जगह ये वाला डेटा लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम लोग डेटर का जो है वो अलग अलग यहाँ पर पोस्ट करते जाएंगे। तो डेटर का देखो, तो डेटर का एंट्री क्या होगा, मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा सेल्स, ठीक है। इनका सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा, इसमें भी क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें भी रिकॉर्ड हो जाएगा टू सेल्स, इस तरह से। अब सेल्स का अमाउंट जस्ट हमें लिख लेना है, जैसे इनका है 39,600, गुप्ता एंड वर्मा 39,600, जैन एंड सन 40, जैन एंड सन ये 40,000 है, ये मैंने नीचे लिख दिया था 39,600, ये यहां पर चला जाएगा, ठीक है। और एक जो था वो है कितना है ये वाला, इसके पहले था 39,640, अच्छा ये 1,12,500, ये इस तरह से रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिकॉर्डिंग कैसे होगा वो भी हम लोगों ने देख लिया, सिंपल है, जैसे तुम लोग जर्नल लेजर करते हो उसी तरह से है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ट बुक के बारे में बोला है, बट कोई क्वेश्चन नहीं दिया, इसलिए हम लोग दूसरे जगह से इसको करेंगे, इसका रिलेटेड क्वेश्चन। तो सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ट बुक बोल सकते, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट मतलब जो हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है, तो कौन सा रिटर्न आ सकता है, जो हम लोगों ने क्रेडिट में बेचा है। नॉर्मली कैश में बेचने से ये झंझट नहीं होता है, रिटर्न वगैरह जल्दी से अप्रूव नहीं होता है, लेकिन क्रेडिट में ऐसा होता है, ठीक है। तो रिटर्न होगा तो हम लोगों को कौन सा रिटर्न रिकॉर्ड करना है, वही वाला जो हमारा मर्चेंडाइज गुड्स था और जो हम लोगों ने क्रेडिट में बेचा था, उसका रिटर्न हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर ये कौन सा बुक दिया हुआ है, ये एक सेल्स बुक दिया हुआ है, ये तुम लोग पीडीएफ शेयर करेंगे तो तुम लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। हम सेल्स रिटर्न वाला लेते हैं, परचेज रिटर्न भी लेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न पहले देख लेते हैं, ये देखो सेल्स रिटर्न का एक क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन था नहीं हमारे पास, तो हम लोग यहाँ से करते हैं। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑफ जिंदल एंड कंपनी ए साड़ी डीलर, ठीक है। साड़ी डीलर है मतलब इनका मर्चेंडाइज गुड्स क्या है, साड़ी, ठीक है। एंड पोस्ट देम टू द लेजर, अब इसको लेजर पोस्ट भी करना है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर मतलब वही बिल नंबर, ठीक है। और कितने तारीख को सेल हुआ था वो भी दिया हुआ है, 5/1/2001, ठीक है, ये 2001 ही पकड़ो। ये जो एक्स दिया हुआ है 10/1/17, ये डेट दिया हुआ है। और यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पर सॉरी कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है क्या क्या सेल परचेस हुआ है, ठीक है। तो हम तुम लोगों से पूछ लेंगे कि क्या क्या हमें रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं करना है। तो तब तक हम एक काम करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट जो है वो एज इट इज है, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है, हर जगह यही वाला फॉर्मेट बेसिकली हमारा यूज होता है। डेट अगर कुछ दिया हुआ है, पर्टिकुलर डिटेल्स, अमाउंट, ये सब यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो ये क्वेश्चन मेरा जो है ये इलास्ट्रेशन 4 है, तो हम भी इलास्ट्रेशन 4 लिख देते हैं, ताकि जब पीडीएफ तुम लोग को मिले तुम लोग भी समझ जाओ कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ पर डेट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डेट है। अच्छा
डेट के बाद यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट नोट, ये बताते हैं क्या होता है क्रेडिट नोट, क्यों लिखा मैंने, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल्स या पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा चेंज करके तुम लोग अपने हिसाब से चाहो तो और एक चीज भी लिख सकते हो, नेम ऑफ कस्टमर्स वैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, लेजर फोलियो अमाउंट, ठीक है। इसका मैंने पहले क्लास में बताया था, थोड़ा सा हमारा जो फॉर्मेट है वो इधर उधर हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। नाउ ये क्रेडिट नोट कहाँ से आ गया, तो थोड़ा क्रेडिट नोट के बारे में तुम लोग को बता देते हैं ये होता क्या है। ये देखो क्रेडिट नोट, अगर ऑनलाइन में तुम लोग को सेल मतलब सेल बोल रहे सॉरी परचेज अगर कुछ किए हो तो अगर रिटर्न करते हो तो उस तुम लोग को भी एक नोट जेनरेट करना पड़ता है जहां पर तुम लोग को ये रीजन दिखाना पड़ता है। अगर तुम लोग ऑनलाइन में कुछ भी खरीद के वापस करते हो तो तुम लोग देखना वहां पर बताता है कि थोड़ा सा रीजन तो बता दीजिए आप ये क्यों रिटर्न कर रहे हैं, मतलब इसके क्वालिटी में आपको प्रॉब्लम है या फिर साइज, अगर मान लो ड्रेस मटेरियल है तो साइज का फिट, साइज फिट होने का इश्यूज वगैरह जो भी है, या फिर कलर प्रॉब्लम है जो भी है आपको, इसका क्वालिटी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ एक रीजन बता के हमें बोलना पड़ता है कि हमें ये प्रोडक्ट रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने अभी लिखा क्या है क्रेडिट नोट, ठीक है, वहां पर मैंने एक लिखा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, यहाँ पर देखो एक क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो क्रेडिट नोट बनाता है। क्यों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है इसमें देखो, कंटेन द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, कब गुड्स रिटर्न हुआ है, द नेम ऑफ द कस्टमर, किसने ये गुड्स रिटर्न किया है, हु हैज रिटर्न द गुड्स, ठीक है, कस्टमर जिन्होंने ये गुड्स रिटर्न किया, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बैक एंड द अमाउंट ऑफ सच गुड्स। तो ये क्रेडिट नोट कौन बनाएगा, क्रेडिट नोट सेलर बनाएगा, ठीक है, क्रेडिट नोट सेलर बनाएगा और वो उसमें क्या रिकॉर्ड करेगा, वो उसमें ये रिकॉर्ड करेगा कि कौन से कस्टमर ने कौन से तारीख को कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए वाला उसने रिटर्न किया है, ठीक है, ये होता है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट कौन बनाता है, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, और हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक। अब ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं, सेल्स रिटर्न बुक किसका बना रहे हैं, देखो सेल्स रिटर्न बुक किसका बना रहा है, यहाँ पर जिंदाल एंड कंपनी, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑफ जिंदाल एंड कंपनी, जिंदाल एंड कंपनी अपना सेल्स रिटर्न बुक बना रही है, ठीक है। तो अगर सेल्स रिटर्न बुक क्यों बना रही है, जरूर किसी ना किसी कस्टमर ने उनको रिटर्न दिया होगा, तो उनको क्या जनरेट करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। मान लो क्रेडिट नोट नंबर कुछ भी एक है, ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर, जैसे देखो ये इनवॉइस नंबर से क्रेडिट नोट नंबर हम लोग बना लेंगे, जो इनवॉइस नंबर है वही हमारा क्रेडिट नोट, मतलब जितने नंबर का बिल बनाता वही बिल वाला कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते वही एज ए क्रेडिट नोट, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग को पता चल जाएगा, जैसे देखो गोयल एंड कंपनी रोहतक के हैं, इन्होंने रिटर्न किया है 2 पॉलिस्टर साड़ी, अब ये रिकॉर्ड भी होगा, क्यों होगा, बिकॉज इनका साड़ी का ही बिजनेस है, रिकॉर्ड होगा सॉरी मतलब रिटर्न है तो रिकॉर्ड होगा बिकॉज साड़ी का बिजनेस है, ठीक है। तो ये मर्चेंडाइज गुड्स हुआ, तो ये हम लोग रिटर्न को जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, डेट तो जो है वो लगा देंगे, दैट इज 5/1/2001, ठीक है, और क्रेडिट नोट में क्या लिखेंगे 201, जो इनका इनवॉइस नंबर था, ठीक है, अगर क्वेश्चन में होता है, इसीलिए मैंने बता दिया। अब जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर होगा, नहीं होगा तो तुम लोग क्रेडिट नोट नहीं लिख पाओगे, मत लिखना, ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो मत लिखना, उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर क्वेश्चन में क्रेडिट नोट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना पता होना चाहिए जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसका प्रोडक्ट रिटर्न जाता है तो वो क्रेडिट नोट जनरेट करता है, और इसमें क्या लिखा हुआ होगा, 201 नंबर क्रेडिट नोट निकालते उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से डेटर ने क्या रिटर्न किया था। तो अब देखो किन्होंने रिटर्न किया, गोयल एंड कंपनी कहां से है, रोहतक से है, इन्होंने रिटर्न किया है कितना, 2 पॉलिस्टर साड़ी एट द रेट ऑफ 125, तो 2 पॉलिस्टर साड़ीज एट द रेट ऑफ 125, तो 2 × 125, ठीक है, 250 का इन्होंने रिटर्न दे दिया, ठीक है, 250 का इन्होंने रिटर्न दे दिया, 125 × 2, देख लेते 125 ही था ना, 125 × 2, हाँ 250, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट भी था, वो मैंने नहीं दिखाया, चलो यहाँ पर एक डिटेल्स होना चाहिए, सिर्फ अमाउंट देने से नहीं होगा, अच्छा यहाँ पर 250 लिख देते हैं, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट भी लिख देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो 25,
तो 225, 225 का प्रोडक्ट जो हम लोगों ने बेचा था वो रिटर्न हो गया। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 10/1/2001 202 एक्सेप्टेड रिटर्न ऑफ गुड्स विच वी आर सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा था किनको, गर्ग एंड कंपनी विवानी का, ठीक है, दो कोटा साड़ी बेचा गया था एट द रेट ऑफ 50 करके, लेकिन उनको कैश में बेचा गया था और उन्होंने रिटर्न भरा, तो मतलब रिटर्न कर दिया नहीं लेना है, और ये एक्सेप्ट भी किया है हम लोगों ने, कैश में बेचा था एक्सेप्ट भी किया, क्या इसका रिकॉर्डिंग होगा बताओ, क्या इसका रिकॉर्डिंग होगा बोलो, कोई तो आंसर दो, क्या इसका नहीं होगा, बिकॉज ये कैश सेल था, तो कैश सेल है तो इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल सा बात है, कैश सेल है तो इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, अगर क्रेडिट में सेल होता तो ऑब्वियसली इसका रिकॉर्डिंग होता। नेक्स्ट देखो 17/1/2001 203 इनवॉइस नंबर था, मित्तल एंड कंपनी हिसार के हैं, रिटर्न टू अस टू सिल्क साड़ी एट द रेट ऑफ 325 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट नहीं बोला, लेकिन पढ़ के क्या लग रहा है, कैश है कि क्रेडिट है, मित्तल एंड कंपनी इन्होंने रिटर्न किया है, तो कुछ नहीं बताया है, हमारा डेटर का नाम दिया हुआ है, तो ये क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो रिटर्न जो है वो हमने एक्सेप्ट किया है और इसका रिकॉर्डिंग भी होगा सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है, तो इसका रिकॉर्डिंग करेंगे 17/1 वाला, ठीक है, तो पीछे लिखना पड़ेगा डेट क्रेडिट नोट, पर्टिकुलर डिटेल्स और अमाउंट, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर डेट लिख लेते हैं 17/1/2001 था, ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर हमारा इनवॉइस नंबर चला जाएगा, दैट इज 203 मित्तल एंड कंपनी हिसार, मित्तल एंड कंपनी फ्रॉम हिसार। अब देखो इन्होंने क्या रिटर्न किया, टू सिल्क साड़ी एट द रेट ऑफ 325, टू सिल्क साड़ी एट द रेट ऑफ 325 और ट्रेड डिस्काउंट 325, ठीक है, तो 325 इंटू 2 650 लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, देखो ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो ये हो जाएगा 520, ठीक है, ये 520 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं किसका है, 31st of Jan मोहन रिटर्न टू अस वन ओल्ड टाइपराइटर, बोलो ये रिकॉर्ड होगा, टाइपराइटर था मोहन ने रिटर्न किया, पुराना टाइपराइटर कुछ 500 रुपए में ये दिया था हम लोगों ने, उन्होंने रिटर्न कर दिया, क्या इसका रिकॉर्डिंग होगा, टाइपराइटर जाएगा नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस क्या है, साड़ी डीलर है ना, पहले बताया भी था, ये देखो साड़ी डीलर है और पढ़ के भी लग रहा है ना सर, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन साड़ी रिलेटेड है, कोटा साड़ी, पॉलिस्टर साड़ी, सिल्क साड़ी, तो साड़ी डीलर है, तो ओल्ड टाइपराइटर जो गया ये तो मर्चेंडाइज गुड्स है नहीं, तो फिर यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग इसका होगा नहीं। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल ऑफ रिटर्न 520 एंड 225, तो टोटल करो 520 एंड 225, तो ये हो गया 745, ठीक है। अब इसका भी पोस्टिंग दिखा देते किस तरह से हम लोग पोस्टिंग करेंगे, तो दो दो या तीन जो भी हमारे कस्टमर का नाम है वो होगा और एक सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा, तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट और एक है गोयल एंड कंपनी, गोयल एंड कंपनी, और अभी है मित्तल, लास्ट वाला था मित्तल एंड कंपनी। अच्छा मुझे बताओ कि सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, तुम लोग जर्नल एंट्री बताओ, सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, कोई बताओ सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, तुम लोग बेसिक क्लास तो कर चुके हो, सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है बोलो, जर्नल तो कितना बार कर रहे हो, सेल्स कैसे सेल्स अकाउंट क्या टू सेल्स सेल्स रिटर्न टू सेल्स सेल्स रिटर्न टू सेल्स रिटर्न सुनाई दिया उसके आगे सेल्स रिटर्न डेबिट टू मैम सेल सेल नहीं गलत हो रहा है सेल्स रिटर्न टू क्या होगा सेल्स रिटर्न डेबिट
टू क्या होगा? सेल करने से क्या एंट्री होता है? डेटर टू सेल्स होता है, क्रेडिट सेल कर रहे हैं ना, तो डेटर टू सेल्स, और जब रिटर्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू डेटर अकाउंट, हाँ टू डेटर अकाउंट होगा, सेल्स रिटर्न टू डेटर, वही पूछ रहे थे बार बार, सेल्स रिटर्न टू डेटर होगा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न में हम लोग किस साइड पोस्ट करेंगे? अगर सेल्स रिटर्न टू डेटर होता है तो सेल्स रिटर्न में किधर पोस्ट होगा, टू या बाई में, बताओ? सेल्स रिटर्न टू डेटर अगर होता है तो बाई में कैसे होगा? देखो सेल्स रिटर्न, खुद सोचो तुम लोग एक बार, सेल्स रिटर्न टू अगर मेरा डेटर होता है, डेटर मतलब कस्टमर, तो जब सेल्स रिटर्न बुक्स में पोस्ट करेंगे तो सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न तो कभी नहीं आता है। जैसे हम लोग खुद का नाम बहुत ही कम यूज करते हैं, वैसे खुद का ये नाम वाला जो अकाउंट है ये अपना नाम यूज नहीं करेगा। बच्चा क्या? बच्चा तो टू डेटर है ना, तो बच्चा टू डेटर, इसको पोस्ट करना पड़ेगा इसमें, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न पोस्ट नहीं होगा, बाकी जो बचता है वो पोस्ट होगा। बच्चा क्या? टू डेटर, तो टू किधर होता है? इधर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, किधर लिखे टू किधर होगा, इधर या इधर? हाँ तो डेबिट साइड, तो टू क्या हो जाएगा? टू डेटर, टू डेटर होगा, तो यहाँ पर तुम लोग डेटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखने का तरीका कुछ अलग होगा, यहाँ पर होगा टू, ये इस तरह से लिखेंगे ना, क्योंकि ये तो सब्सिडियरी बुक्स है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था बाई टोटल अमाउंट, उसी तरह से लिखेंगे टू टोटल अमाउंट एज पर सेल्स रिटर्न बुक, इस तरह से लिखेंगे टू टोटल अमाउंट एज पर सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक से हम लोगों को पता चला कि 745 का रिटर्न है, ठीक है। अच्छा, और एक हमारा देख सकते हैं, हमारे वो सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आएगा, वो बात अलग था, लेकिन यहाँ पर एक कैश रिटर्न भी था। ये देखो जो विवानी का था, उन्होंने कैश में प्रोडक्ट लिया था लेकिन रिटर्न किया है, तो उसका एंट्री हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, वो ठीक है, मतलब बुक में नहीं आएगा, सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखा सकते हैं कैश वाला जो रिकॉर्डिंग था, तो सेल्स रिटर्न टू क्या हो जाएगा? कैश। अगर किसी को हम लोगों ने कैश सेल किया है तो क्या एंट्री होता है? कैश टू सेल्स। अगर वो रिटर्न करते हैं तो एंट्री क्या होगा? देखो तो सेल्स रिटर्न टू क्या हो जाएगा, जैसे डेटर हमारा कैंसिल हो रहा था वैसे कैश को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर किसी को कैश में बेचा था, उसका रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा ना। जैसे आजकल ऑनलाइन में क्या होता है, कैश वापस मिल जाता है, तो उसी तरह से कैश जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है रिटर्न को। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कितना कैश रिटर्न करना पड़ेगा? दो कोटा साड़ी है 50 रुपए वाला, तो 2 × 50 कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने यहाँ पर अलग से इसीलिए लिखा क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट है, यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये सब्सिडियरी बुक्स जो है सेल्स रिटर्न का वहां नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्रेडिट वाला होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब गोयल एंड कंपनी, इन्होंने तो रिटर्न किया है, तो रिटर्न का एंट्री क्या था? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर का नाम ये है, तो इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोयल एंड कंपनी, तो ये देखो सेल्स रिटर्न टू गोयल एंड कंपनी। अब गोयल एंड कंपनी में गोयल एंड कंपनी नहीं लिखेंगे, बच्चा क्या? सेल्स रिटर्न, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? बाई है, तो बाई साइड में पोस्ट होगा, तो बाई सेल्स रिटर्न। अब इनका जो अमाउंट है वो लिखेंगे, इनका अमाउंट कितना है? 225, तो इनका 225 लिखो, इनका लिखेंगे 225। सिमिलरली मित्तल एंड कंपनी का जब रिटर्न होगा तो कैसे लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, डेटर का नाम जब पता है तो लिखो नाम मित्तल एंड कंपनी, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न टू मित्तल एंड कंपनी, मित्तल एंड कंपनी हमारा अकाउंट है, तो मित्तल एंड कंपनी में मित्तल एंड कंपनी नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा? बाई जो बचा हुआ है सेल्स रिटर्न, और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब बाई है, तो बाई सेल्स रिटर्न, क्योंकि लेजर का ये टू साइड और ये बाई साइड। अब अमाउंट जो है वो लिखना पड़ेगा 520, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टिंग हो गया, तो पोस्टिंग इस तरह से करना पड़ेगा, और ये सब क्लोज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट छोटा छोटा पोस्टिंग हो रहा है, कंप्लीट सम तो है नहीं, ठीक है, पूरा डिटेल्स मिलेगा तभी ना हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सेल्स रिटर्न होगा। अब देखो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, उसका कैसे होगा, उसका भी क्वेश्चन है हमारे पास। कहां पर गया परचेज रिटर्न? ये देखो परचेज रिटर्न, ये भी जिंदाल एंड कंपनी सेम क्वेश्चन से ही बनाया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक ऑफ जिंदाल एंड कंपनी ए साड़ी डीलर एंड पोस्ट देम टू द लेजर्स। लगभग क्वेश्चन पूरा सेम है। ये देखो 4/1/2001 रिटर्न टू गोयल मिल सूरत, मतलब जस्ट उसका ऑपोजिट कर दिया, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जिसको जस्ट ऑपोजिट कर दिया, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन एक जैसा हो तो क्या है, हमें सीखने से मतलब है,
यहाँ पर कौन कौन सा रिटर्न हम लोग बुक करेंगे, देखो हम लोग साड़ी डीलर है, ठीक है, मतलब जिंदाल एंड कंपनी जिनका हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, रिटर्न किया है गोयल मिल को सूरत में है 5 पॉलिस्टर साड़ी एट द रेट ऑफ 100 एंड ट्रेड डिस्काउंट, तो ये रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये क्रेडिट परचेस था, क्योंकि बोला ही नहीं है कैश परचेस है, ऊपर से क्रेडिटर का भी नाम दिया हुआ है। गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच आर परचेस्ड फॉर कैश, इसका नहीं होगा, ठीक है, इसका नहीं होगा क्योंकि कैश में खरीदा था। रिटर्न टू मित्तल मिल्स बैंगलोर 5 सिल्क साड़ी, ये होगा, ठीक है, और टाइपराइटर नहीं होगा क्योंकि टाइपराइटर हमारा मर्चेंडाइज गुड्स नहीं है। इतना तो हमें समझ में आता है बिकॉज क्वेश्चन एक जैसा है। तो वहां जैसे हम लोगों ने क्रेडिट नोट बनाया था, यहाँ पर डेबिट नोट बनेगा, तो एक बार डेबिट नोट के बारे में भी देख लो, डेबिट नोट क्या होता है, क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट कौन बना रहा है, प्रिपेयर्ड बाय द परचेजर, परचेजर डेबिट नोट बनाते हैं, उन्होंने मतलब डेबिट नोट में उन लोगों को क्या लिखना है, उन लोगों को ये लिखना पड़ेगा कब कौन सा गुड्स कितने अमाउंट का रिटर्न कर रहे हैं। ये देखो, इट कंटेन्स द डेट ऑफ रिटर्न, नेम ऑफ द सप्लायर टू हुम द गुड्स हैव बीन रिटर्न, डिटेल ऑफ द गुड्स रिटर्न, रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड्स, ठीक है। तो जब हम लोग ऑनलाइन में कुछ परचेस करते हैं उसके बाद जब हम लोग रिटर्न करते हैं तो जो रीजन वगैरह दिखाते हैं, तो हम लोग कौन सा नोट जेनरेट करते हैं, कौन सा नोट जेनरेट करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, बताओ। मान लो फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, उससे तुम लोगों ने कुछ भी ऑनलाइन परचेस किया और उसके बाद तुम लोग रिटर्न जेनरेट कर रहे हो, वहां पर तुम लोग को रीजन दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा क्यों रिटर्न कर रहे हो, कुछ ऑप्शंस वगैरह आता है वहां पर, अपने हिसाब से जो भी रीजन तुम लोग को लग रहा है उस पर टिक वगैरह कर देना पड़ता है और उसके बाद उसे सबमिट कर देना पड़ता है और रिटर्न जब रिफंड मांगा जाता है तो पैसा मिल जाता है अगर रिफंडेबल था तो मुझे बताओ, तो तुम लोग जो नोट जेनरेट करते हो दैट इज डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, बोलो। डेबिट नोट हो रहा है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बिकॉज तुम लोग कौन हो, परचेजर हो, है ना, परचेजर हो, और जिस कंपनी से खरीदा था जब उसके लिए वो क्या नोट बनेगा, उनको क्या नोट बनाना पड़ेगा, वो बनाएंगे अपने बुक्स में क्रेडिट नोट, ठीक है। ये देखो, फिर यहाँ पर दिया हुआ है हु प्रिपेयर्स, क्लियरली बता दिया है परचेजर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, क्या क्या रहता है वही, डेट ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ रिटर्न, नेम ऑफ द सप्लायर टू हुम रिटर्न, हम लोग सप्लायर का नाम दिखाएंगे किनको रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है, जो रिटर्न कर रहा है, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, रीजन, रीजन तो एक देना ही पड़ता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट, इट इज यूज एज सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन परचेज रिटर्न बुक, जब परचेज रिटर्न बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो ये डेबिट नोट ही हमें हेल्प करता है, और जब सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो ये क्रेडिट नोट हमें हेल्प करता है। ये देखो, व्हाई प्रिपेयर्ड, क्यों प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू डेबिट द सप्लायर अकाउंट, क्योंकि जब सप्लायर यानी क्रेडिटर से कुछ खरीदते हैं तो हम लोग एंट्री ऐसे करते हैं परचेज टू क्रेडिटर, अब अगर क्रेडिटर का वो प्रोडक्ट हमें रखना ही नहीं है, रिटर्न करना है, तो क्रेडिटर को तो डेबिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, तो ये क्यों बनाया जाता है, इसका मतलब ही मैंने मेरे सप्लायर को डेबिट कर दिया, ठीक है, By not payment, ठीक है, payment से हम लोग creditor को cancel कर सकते हैं, इसके अलावा return करके भी कर सकते हैं, और जो debtor है, customer है, उनको हम लोग debit कर रखते हैं normally, लेकिन जैसे ही return generate हो गया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, cancel हो जाएंगे, तो debit था वो credit हो जाएगा, ठीक है, तो ये debit note और credit note का मतलब, तो तुम लोग अपने से एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ठीक है, तुम लोग जब भी ऑनलाइन में कुछ रिटर्न करोगे तो तुम लोग डेबिट नोट जनरेट कर जाओ, तो बस एक डेबिट नोट याद रहेगा तो उसका ऑपोजिट ही क्रेडिट नोट हो जाएगा। अब ये परचेज रिटर्न बुक जो है सेम क्वेश्चन का था, ये भी हम दिखा देते हैं अभी तुरंत, देखो कैसे होगा, परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न इनवर्ट, परचेज रिटर्न बुक, डेट, यहां पर डेबिट नोट लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स, लेजर, यहां पर डिटेल्स लिख देते हैं, डिटेल्स और अमाउंट, लेजर फोलियो यहां पर चाहो तो बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहां पर देख लो डेट कौन सा जाएगा, 4120 X1, ठीक है, अच्छा डेबिट नोट 101 गोयल मिल्स सूरत, इनको क्या रिटर्न किया है, देखो 5 पॉलिस्टर साड़ी एट द रेट ऑफ 100, तो 500 लेस TD एट द रेट ऑफ
10% ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, तो ये 50 हो जाएगा, तो टोटल में आ जाएगा 450। अच्छा नेक्स्ट गर्ग मिल, इनसे तो कैश में लिया गया था तो ये नहीं आएगा, 16th वाला ट्रांजैक्शन आ जाएगा, 16/1/2001 103। अच्छा यहाँ पर रिटर्न टू मित्तल मिल्स, मित्तल मिल्स को रिटर्न कर रहे हैं बैंगलोर, 5 silk saree एट द रेट ऑफ 5 silk sarees एट द रेट ऑफ 260 बैंगलोर। अच्छा तो 260 × 5 1300 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, तुम लोग पूरा लिखना ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, शॉर्ट में तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं, 130 1170। ठीक है अच्छा, और ये टाइपराइटर वाला तो होगा नहीं, बस ये दो ट्रांजैक्शन था और दोनों का टोटल कर लेते प्लस 450 लगाओ तो आएगा 1620। ठीक है 1620 ये हो गया परचेज रिटर्न टोटल ऑफ परचेज रिटर्न इतना। अब अगर हमें पोस्टिंग करने बोले तो हम लोग कर सकते हैं क्या क्या अकाउंट बनाएंगे, एक तो हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा, हम यहाँ पर दिखा देते हैं छोटा छोटा करके, परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा ठीक है, और दो जो है हमारे क्रेडिटर का नाम लिखना पड़ेगा, गोयल मिल्स और मित्तल मिल्स, यहाँ पर लिख देते हैं गोयल मिल्स और इधर मित्तल मिल्स। तो मुझे बोलो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, बताओ परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, नॉर्मल एंट्री सोचो, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होगा, परचेज का ऑपोजिट, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होगा बताओ, परचेज का क्या होता है एंट्री, परचेज टू क्रेडिटर, तो परचेज रिटर्न का क्या होगा बताओ, बोलो बोलो परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होगा, बोलो तुम लोग इतना बार तो कर रहे हो बेसिक ऑफ अकाउंट्स, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होगा मैम, डेटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, डेटर अकाउंट डेटर क्यों, परचेज तो क्रेडिटर से रिलेटेड, तो क्या होगा बोलो, क्रेडिटर टू परचेज, हाँ तो परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न तो लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर क्या पोस्टिंग होगा, बाई साइड में पोस्ट होगा, तो क्रेडिटर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल नाम थोड़ी ना लिख रहे हैं, हमें क्या लिखना है, तभी तो परचेज रिटर्न बुक बनाया हुआ है, तो हम लोग टोटल जो रिटर्न है उसको लिख देंगे। ठीक है हम लोग टोटल जो रिटर्न है उसको लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई टोटल अमाउंट जितना भी है रिटर्न का एज पर परचेज रिटर्न बुक, एज पर परचेज रिटर्न बुक, तो ये हो जाएगा 1620। ठीक है और इसके अलावा एक कैश रिटर्न था वो भी हम लोग लिख सकते हैं, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैश टू परचेज रिटर्न जो कैश वाला था, तो बाय कैश। ठीक है यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन था जो हम लोगों ने यहाँ पर सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो कैश वाला कौन सा हो जाएगा, ये मिल्स गर्ग मिल्स कोटा वाला, तो ये 5 kota saree 40 rupees करके, तो 5 × 40 कितना हो जाएगा 200। ठीक है ये 200 हो गया। अच्छा अब गोयल मिल्स का रिकॉर्डिंग कैसे होगा, तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न होता है, क्रेडिटर का नाम क्या है, गोयल मिल्स। ठीक है गोयल मिल्स टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न। ठीक है और इसका अमाउंट भर देंगे जितना है, यही बन रहा है हमारा लेजर पोस्टिंग। अच्छा इसका अमाउंट कितना है देखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी सिमिलर आएगा, टू परचेज रिटर्न, इसका तो दिख रहा है 1170 और इसमें है 450। ठीक है 450 और 1170 हो गया, जिस तरह से पोस्ट करने बोला था हम लोगों ने पोस्ट कर दिया, तो पोस्टिंग भी हम लोग का इसमें हो गया, किस तरह से हम लोग परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा तो देखो नॉर्मली हमारा जो भी इम्पोर्टेंट रिटर्न बुक्स था वो हम लोगों ने कर ही लिया।
अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, तुम लोग जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्लास कर रहे हो ना, वहां पर हम लोग पूरा उसका डिटेल्स देख पाएंगे, ठीक है, वहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे करके वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा अब इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल बोला है, देखो देखो हम लोग ये वाला चीज पहले तुम लोग को मैंने बता दिया, फिर भी एक बार बता देते, देखो स्टूडेंट्स आर नाउ फैमिलियर विद द जर्नल, ठीक है, हमें जर्नल, अब तो तुम लोग जर्नल कर चुके हो बहुत बार, तो जर्नल तुम लोग को पता होना चाहिए, और कुछ पता होना चाहिए उसके साथ साथ, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स क्यों हम लोग बनाते हैं और कौन सी सब्सिडियरी बुक्स में कैसे जाता है, जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगा, देखो क्रेडिट परचेस का जो ट्रांजेक्शन है मेटेरियल्स का, जिसका हम लोग सेल वगैरह कर रहे हैं, मतलब जिसका हमारा मर्चेंडाइज गुड्स है, तो वो परचेस बुक में जाएगा। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न फ्रॉम सप्लायर रिकॉर्डेड इन क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न बुक, ये हमें पता होना चाहिए, ये बोल रहा है, तो अभी तक तो हम लोग यही पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो, बिल्स ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन द बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक, ये बिल्स रिसीवेबल तो स्टार्ट हो चुका है, तो वहां देखेंगे हम लोग किस तरह से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक बनता है। ट्रांजेक्शन तो एक हम लोगों ने लास्ट क्लास ही एक ट्रांजेक्शन किया भी था। If these are maintained apart from the transaction mentioned above, there are some entries also which have to be recorded. ठीक है, इसके अलावा भी ऐसा कुछ entries हो सकता है जिसे हमें record करना पड़ेगा। For them, the proper place is the journal. वही चीज जो इस ये सारी जगह पे नहीं जाएगा वो journal proper में जाएगा। In fact, if there is no special book meant to record a transaction, it is recorded in the journal proper. मतलब अगर ऐसा कोई recording transaction है जो ये सब special books में नहीं जा रहा है, जैसे कि purchase book, sales book, purchase return, sales return, bills payable book, bills receivable book, ये सब में अगर नहीं जा रहा है तो वो journal proper में जाएगा। The role of the journal is thus restricted to the following type of entries. तो एक्चुअली जर्नल प्रॉपर में क्या क्या जाता है उसका हमें एक लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज कब होता है? When books are started for the new year, ठीक है, open हो रहा है, ठीक है, open मतलब start हो रहा है, जब नए साल में फिर से books of accounts को open किया जाता है, the opening balance of asset and liabilities are journalized. हमें क्या करना पड़ता है, पहले से हमारे पास जो भी asset या liability था वो जब हम लोग brought down कर रहे हैं next year, तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, opening entry लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखो मेरे पास एक furniture था, for example मेरे पास एक furniture था जो मैंने खरीदा था 100 रुपए से, तो furniture to cash, ठीक है, और फर्नीचर यूज करने पे उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो बाय डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया 10 रुपीज का, मतलब 10 रुपए का मैंने पूरे साल भर में यूज कर लिया। अब मेरा जो बैलेंस है वो कितने का बच रहा है, फर्नीचर का 90 रुपीज, ठीक है, क्योंकि अगर 100 रुपए के मशीन में 10 रुपए का यूज कर लिया तो 90 बचा। अब नेक्स्ट ईयर जब हम लोग नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करेंगे तो फर्नीचर का बैलेंस कितना लिखेंगे, 90, और किस तरह से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। क्यों ऐसा, क्योंकि खरीदा थोड़ी है कि टू कैश लिखे, खरीदा नहीं है, पैसा नहीं गया है, 90 रुपीज का फर्नीचर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाने के लिए पैसा नहीं गया है, ये तो पहले से ही था, इसको जस्ट शो करना है, दैट इज द ओपनिंग एंट्री, ठीक है। अगर पहले से किसी भी तरह का एसेट या लाइबिलिटी है तो उसे इस तरह से हम लोग जर्नलाइज करेंगे। क्लोजिंग एंट्री, जैसे ये वाला, ये क्लोजिंग एंट्री है इस साल के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, फॉर दिस पर्पज द नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, दिस इज डन थ्रू जर्नल एंट्रीज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। अच्छा अब देखो, क्लोजिंग एंट्री मेनली किस चीज का होता है, क्लोजिंग एंट्री मेनली पीएल में जाता है, ठीक है, हर एक नॉमिनल अकाउंट, जैसे सैलरी, देखो हर एक अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, मान लो मुझे मेरे स्टाफ को सैलरी देना है तो हम क्या एंट्री करेंगे, सैलरी डेबिट मेरा एक्सपेंस है टू कैश, ये वाला एंट्री करेंगे, ठीक है। अब इसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है, हर एक एक्सपेंडिचर या इनकम को क्लोज करना पड़ता है, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये सैलरी पे किया है तो ये खर्चा है, तो खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, जब खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है। टू, कौन सा खर्चा हम लोग क्लोज कर रहे हैं, सैलरी का, इस साल का कितना सैलरी है, तो जैसे मान लो मैंने 1000 रुपए सैलरी दिए थे, ठीक है, और पीएल में मैंने 1000 इसको क्लोज कर दिया, तो तुम लोग एक चीज देखो, सैलरी सैलरी कैंसिल हो गया, बचा क्या, पीएल टू कैश, मतलब मेरा एक्सपेंस हुआ है और मेरे पॉकेट से पैसा गया, कितना, 1000। ये हम लोग चाहे तो ऐसे ही रिकॉर्ड कर सकते थे, फिर दो स्टेप में रिकॉर्ड करने का क्या जरूरत है, इसीलिए जरूरत है। जैसे अगर तुम लोग अपने लाइफ में भी खर्चा देखो तो तुम लोग हर घर में मोटा मोटी एक हम लोग इतना तो एस्टिमेट करते ही है ना, कितने का खाने पीने का खर्चा है, कितना इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, कितना पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, तो खर्चा तो सभी है, फिर अलग अलग हेड में याद क्यों रखना, अगर अलग अलग हेड में याद रखना ही नहीं था तो फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट ही नहीं आता।
सारे जगह पे खर्चा होगा तो पीएल डेबिट लिख देंगे। पता करने का क्या जरूरत है किस चीज का है, नेट एंट्री तो वही हो रहा है पीएल टू कैश, लेकिन नहीं, हमें हर एक हेडिंग रिलेटेड एक इनकम एंड एक्सपेंसेस पता होने चाहिए, तभी तो हर एक एंट्री जो है वो दो स्टेप में होता है। एक होता है स्टार्टिंग, जैसे ये पेड एंट्री, हर एक एंट्री का क्लोज एंट्री होता है, ठीक है, हर एक एंट्री का क्लोज, और अगर एक्सपेंडिचर या इनकम है तो वो क्लोज कहाँ पर होगा, पीएल में होगा, जैसे मैंने सैलरी का दिखाया। सिमिलरली अगर इनकम है तो भी होगा, जैसे मान लो किसी का रेंट से इनकम हो रहा है, तो रेंट से इनकम अगर हो रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा, रेंट आ रहा है तो पैसा आ रहा है, ठीक है, तो कैश टू क्या हो जाएगा, रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, पैसा आ रहा है। अब इसको क्लोज करेंगे क्योंकि ये मेरा इनकम है, तो एंट्री ऐसे हो जाएगा रेंट टू पीएल, ठीक है, रेंट टू पीएल। सपोज ये भी मान लो 1000 रुपए है, ठीक है, 1000, तो यहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो रेंट और रेंट कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ये कैश टू पीएल, मतलब इसका नेट अगर देखो तो फिर रेंट लिखने का क्या जरूरत था, ताकि हमें पता चले कि रेंट से कितना इनकम है, किसी और सेक्टर से कितना इनकम है, इसीलिए हेड ऑफ इनकम्स जो है वो हमें दिखाना चाहिए। तो ये जो है, ये जो हम लोग क्लोज कर रहे हैं अपना इनकम या खर्चे को, इसको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्री। तो ये तो कोई भी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आ रहा है, ना तो ओपनिंग एंट्री किसी भी तरह से सब्सिडियरी बुक्स में सूटेबल हो रहा है कि चले जाए, ना तो क्लोजिंग एंट्री हो रहा है, तो ये कहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये जर्नल प्रॉपर में लिखना पड़ेगा। नाउ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, तो ये तो तुम लोग चैप्टर कर ही लियो कुछ दिन पहले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पहले फ्राइडे वाले क्लास में तो हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही कर रहे थे। तो कोई भी एरर अगर होता है, कितने तरह का होता है, सभी तुम लोग डिटेल्स में कर चुके हो। तो ये रेक्टिफाई होने के बाद कहां लिखा जाता है, जर्नल प्रॉपर में। ट्रांसफर एंट्री, अगर कुछ ट्रांसफर एंट्री है, ये देखो, इफ सम अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, द ट्रांसफर विल बी मेड थ्रू ए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के थ्रू से हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि शेयर जब इशू होता है, कंपनी अकाउंट्स में होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो इस तरह से एंट्री करती है, ऐसे शेयर्स इशू करने से पैसा मिलता है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, ये ट्रांसफर एंट्री हो गया। इसके पहले एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर जब पैसा मिल जाता है तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब ये पहले ड्यू एंट्री होता है, मतलब इक्विटी शेयर का जो मतलब पेमेंट होता है ना शेयर का, वो थोड़ा पार्ट पार्ट वाइज होता है, ठीक है। जैसे मान लो पहले एप्लीकेशन का पैसा ड्यू कर दिए, तो ड्यू करने का मतलब होता है एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर अगर आप खरीदना चाहते हो शेयर तो पैसा पे कर दो, तो वो ड्यू एंट्री हो गया। और जैसे ही पैसा मिल जाता है उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये हो गया वन टाइप ऑफ ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। तो ट्रांसफर एंट्री इस तरह का होता है। तो ट्रांसफर एंट्री जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उसके लिए हमें फिर क्या यूज करना पड़ेगा, ये तो जो भी एंट्री मैंने अभी दिखाई ये कोई सब्सिडियरी बुक्स में सूटेबल नहीं है, तो ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री, जैसे देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस तो है, हमें पे करना चाहिए था बट पे नहीं किया। देखो एक्सपेंस अगर टाइम पे हो जाता है तो वो एक्सपेंस रहता है, लेकिन अगर टाइम के बाद पे होता है तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। क्यों, देखो मान लो मुझे आज रेंट देना था, ठीक है, 30 अगस्त यही मेरा रेंट का डेट होता है, मुझे आज रेंट देना था, मैंने रेंट दे दिया, काम खत्म, मेरा जो खर्चा था मुझे जिस दिन पे करना था मैंने कर दिया। लेकिन यही वाला रेंट हम आज नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं सपोज 9th सितंबर को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 9th सितंबर को दे रहे। इसका मतलब मैंने मेरा खर्चा टाइम पे नहीं किया तो मुझे भी तो हेडेक है, मुझे भी हेडेक है कि मुझे देना पड़ेगा, दूसरे का पेमेंट मैंने बाकी रखा है, तो टाइम चला गया, मैंने दूसरे का पेमेंट अगर बाकी रखा है तो वो मेरा लाइबिलिटी बन जाता है रेदर देन एक्सपेंस, ठीक है। तब क्या होता है ना, अगर एक्सपेंस टाइम पे हो जाता है तो वो एक्सपेंस ही कहलाएगा, लेकिन अगर एक्सपेंस टाइम पे कोई नहीं कर रहा है तो फिर उस पर्सन को लोग याद रखते हैं, ठीक है, उस पर्सन को लोग याद रखते हैं। जैसे मान लो मेरा ग्रोसरी शॉप है, मेरा 10 कस्टमर एकदम परमानेंट है, ठीक है, उसमें से 8 कस्टमर ऐसे हैं जो कि टाइम पे पेमेंट कर देते हैं जब बोलते हैं, लेकिन 2 कस्टमर ऐसा है जो कि आज बोलता है तो 15 दिन बाद देता है, तो हम उन दोनों को पर्टिकुलरली याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वो गड़बड़ करने वाले हैं, तो इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, उन लोग के लिए वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी रेदर देन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये जब टाइम पे नहीं होता है पेमेंट तो एक्सपेंसेस हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दैट इज एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। तो ये ऐसा अगर कोई खर्चा है तो वो एडजस्टिंग एंट्री कहलाता है, और इसके लिए हमें जर्नल प्रॉपर यूज करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग इसको किसी भी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो एंट्रीज है वो कैसे होगा, जैसे मान लो मैंने सैलरी नहीं दिया, मेरे स्टाफ को मैंने सैलरी नहीं दिया, अगर दे देते तो सैलरी टू कैश होता,
अगर सिंपल दे देते तो सैलरी टू कैश होता, लेकिन मैंने नहीं दिया तो सैलरी डेबिट तो होगा, टू क्या हो जाएगा, टू कैश के जगह होगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी मेरा खर्चा होता, सैलरी मुझे देना पड़ता मेरा खर्चा और मेरे पॉकेट से पैसा चला जाता, सैलरी अभी भी मेरा खर्चा ही है, मतलब सैलरी डेबिट है, लेकिन अब मैंने उसे पैसा पेमेंट नहीं किया तो वो मेरा लाइबिलिटी बन गया है, तो टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस अगर टाइम पे नहीं होता है तो वो लाइबिलिटी बन जाता है, तो टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब टाइम से पहले दे दिया, जैसे मुझे रेंट देना था 30 तारीख को, ठीक है मुझे रेंट देना था 30 तारीख को, मैंने क्या किया 30 अगस्त की जगह मैंने 30 मान लो जुलाई में ही पेमेंट कर दिया, 30 अगस्त वाला प्रीपेड कर दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ मुझे अगस्त का रेंट मैंने बहुत पहले दे दिया तो मुझे अभी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली बात ये नहीं है कि मुझे नहीं देना पड़ेगा, वो एडजस्ट होते जाता है, लेकिन अगर हम लोग प्रीपेड कर देते हैं तो हमें लगता है हमारा हेडेक कम हो गया, तो ये एडवांस पेमेंट हो गया, ठीक है। जैसे सर्विस सेक्टर में मेनली ऐसे होता है कि पहले पेमेंट कर दो फिर सर्विस मिलेगा, ठीक है पहले पेमेंट कर दो फिर सर्विस मिलेगा, मैक्सिमम केस में ऐसे ही होता है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो जो पे कर रहा है उसके लिए क्या है, उसके लिए एसेट है, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एंट्री कैसे होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे मान लो मैंने मेरे स्टाफ को सैलरी जो है वो एडवांस पे दे दिया, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा प्रीपेड सैलरी डेबिट, ठीक है टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा कैश, ठीक है हम लोगों ने पे कर दिया तो प्रीपेड सैलरी टू कैश हो जाएगा, ये एसेट हो गया। अच्छा अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रोप्राइटर को कैपिटल में इंटरेस्ट मिल रहा है, देखो द इंटरेस्ट प्रोप्राइटर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंटिटी इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब ऐसे हो सकता है कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो उस पर कैपिटल कैपिटल पे एक इंटरेस्ट लगा लिया है, मतलब कैपिटल जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, मान लो कैपिटल इन्वेस्ट किया है 1 लाख, ठीक है, और उसने एक रूल्स लगाया कि हर साल 5% करके इस पे इंटरेस्ट रेट जो है वो कलेक्ट करेगा, ठीक है खुद ही खुद के कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा, ऐसा कर सकते हैं। द इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंटिटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होता है, तो ये बोलना चाह रहा है कि ये पैसा अगर हम लोग कहीं और लगाते तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट आ सकता था, तो हम लोग एक रूल्स लगाते हैं कि बिजनेस में जो पैसा है उसमें हम लोग 5% हर एक साल इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो कैपिटल 1 लाख है तो 5% करके हम लोग इंटरेस्ट लेंगे, तो 1 लाख 5%, तो ये हो जाएगा हमारा 5000, ठीक है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, तो एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है टू क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा कहां पर जाना चाहिए, ये हमारा जर्नल एंट्री में, सॉरी जर्नल प्रॉपर में जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है ये क्या है, ये एसेट को यूज करने से एसेट जो डिटोरिएट होता है उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इसका एंट्री क्या होता है, ये देखो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हो जाता है तो एसेट डेबिट होता है नॉर्मली खरीदने से, और जैसे कम होते जाएगा वो क्रेडिट होगा। अब देखो ये कोई भी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाएगा, ना तो परचेज रिटर्न, ना सेल्स, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल किसी में नहीं जाएगा, तो ये कहां पर जाएगा, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो कि एडजस्टिंग एंट्री है ये सब जर्नल प्रॉपर में जाता है। इसके अलावा क्या जाता है, एंट्रीज ऑन डिजोनर ऑफ बिल, अगर बिल डिजोनर हो जाता है, ठीक है बिल डिजोनर, तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और भी क्लियरली देखोगे, डिजोनर का मतलब है जो प्रॉमिस करता है कि हम ये पेमेंट कर देंगे 3 महीने बाद, 90 डेज बाद, अगर नहीं कर पाते, नॉन पेमेंट हो जाता है, जो टाइम दिया उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते तो उसे बोला जाता है नॉन पेमेंट होने से डिजोनर। तो डिजोनर होने से क्या एंट्री होगा, डिजोनर होने से एंट्री ऐसे होता है, देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट क्लास में ही मैंने करवाया था, पहले हम लोग डेटर को क्रेडिट सेल करते तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है, तो डेटर टू पहले हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेटर टू सेल्स, ठीक है फिर बिल्स रिसीवेबल टू क्या करते थे, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर करते थे, और जब पैसा मिल जाता है तो कैश टू बीआर करते हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला तो बिल्स को तो कैंसिल करेंगे क्योंकि उसका वैलिडिटी तो खत्म, लेकिन पेमेंट नहीं मिला तो किससे पैसा मांगेंगे, जिससे मांगना था, फिर से डेटर को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि डेटर कैंसिल हो जाता है जब हम लोग बिल्स करते हैं, ये मैंने बताया भी था। तो डेटर टू बिल्स रिसीवेबल, अब देखो ये डेटर टू बिल्स रिसीवेबल ये कोई भी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाने वाला है, ना तो परचेस में ना तो सेल्स में। सेल्स में क्या होता है, क्रेडिट सेल का एंट्री जाता है, ये थोड़ी ना क्रेडिट सेल का एंट्री है, डेटर डेबिट हुआ है बट नॉट फॉर द क्रेडिट सेल, फॉर डिसऑनर, इसीलिए ये वाला जो है एंट्री ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है।
अच्छा उसके बाद देखो मिसलेनियस एंट्रीज, इसके अलावा और भी कुछ मिसलेनियस एंट्री है जो कि जर्नल प्रॉपर में जा सकते हैं, वो कौन कौन सा है देखो, यहाँ पर बोल रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, ये तो मैंने तुम लोग को बार बार बोला है, अदर देन गुड्स जैसे होगा, जैसे आज के एग्जाम्पल पे था टाइपराइटर का रिटर्न था, ओल्ड टाइपराइटर का, या फिर कुछ फर्नीचर वगैरह था जिसपे हम लोग सेल, मतलब हमारा कोर बिजनेस नहीं था उसका, ये देखो वही बता रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स डील्ड इन और मेटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट इज क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और मशीन विल बी जर्नलाइज्ड। तो जैसे मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट परचेज में मशीन वगैरह खरीद रहे हैं जो फिक्स्ड एसेट है जिसका हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा। An allowance to be given to customer or charge to be made to them after the issue of invoice, ठीक है, अगर invoice देने के बाद हम लोग customer को कोई किसी भी तरह का allowance दे रहे हैं, an allowance to given to customer मतलब discount दे रहे हैं, और a charge to be made to them या फिर मान लो उनपे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर अगर जल्दी पेमेंट करता है तो हम लोग उनको डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर अगर डिले करेगा पेमेंट करने में जो टाइम है उससे ज्यादा तो हम लोग उनको क्या देंगे, उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ऐसा जो भी एंट्री होगा वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है, वो क्रेडिट मतलब सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाएगा, चाहे सेल्स हो चाहे सेल्स, सेल्स रिटर्न का तो कोई सवाल नहीं है, सेल्स में भी नहीं जाएगा क्योंकि ये डिस्काउंट रिलेटेड जगह है, ये कोई क्रेडिट सेल वाला बात नहीं है। रिसिप्ट ऑफ प्रोमिसरी नोट्स और इश्यू टू देम इफ सेपरेट बिल्स बुक्स हैव नॉट बीन मेंटेन, अगर हम लोग प्रोमिसरी नोट इशू कर रहे हैं, मैंने लास्ट दिन भी बताया था प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक छोटा सा ही डिफरेंस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है जो सेलर होता है, प्रोमिसरी नोट वो बनाता है जो बायर होता है, वो बोलता है आई प्रोमिस टू पे कि हम इतना प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतने तारीख को ये पैसा पेमेंट कर देंगे। तो प्रॉमिसरी नोट का जो रिसिप्ट होता है, जो मिल रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, जैसे बिल्स का एक्सेप्टेंस होता है, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री होगा वो भी कहां पर जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। ऑन एन अमाउंट बिकमिंग इररिकवरेबल से बिकॉज ऑफ द कस्टमर बीइंग इंसॉल्वेंट, अगर कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हमारा बैड डेप्ट होता है, तो एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट डेबिट, बैड डेप्ट मेरा लॉस हो गया, बैड डेप्ट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डेटर, डेटर मेरा कैंसिल हो जाएगा, डेटर पैसा देने से कैंसिल होता है, ठीक है, डेटर प्रोडक्ट रिटर्न करने से कैंसिल होता है, इसके अलावा अगर पैसा नहीं दे पाता है बैड डेप्ट होता है, तो भी क्या हो जाता है, डेटर जो है सॉरी डेटर जो है वो क्रेडिट होता है, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो ये कहा, ये जो है ये ना तो परचेज बुक में जाएगा, ना सेल्स रिटर्न कहीं पर नहीं जाएगा, तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, ठीक है, तो बैड डेप्ट टू डेटर इस तरह का एंट्री। इसके अलावा ये देखो क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट सच एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अगर होता है तो उसका जो जर्नल एंट्री होता है उसमें भी तुम लोग देख सकते हो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर जो होता है वो भी हमारा कहाँ पर जाएगा, वो भी हमारा जर्नल प्रॉपर में जाएगा, क्योंकि परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक और जो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न ये सब में जाने का कोई भी सवाल नहीं, क्योंकि वो सब का क्राइटेरिया तो फिक्स्ड है। कैश बुक में सिर्फ कैश परचेज, कैश सेल जाएगा, परचेज डे बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज, सेल्स डे बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल, रिटर्न वाले में भी वैसा ही, ठीक है। अच्छा, और ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, ये देखो नेट प्रॉफिट जब कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो कैपिटल कैसे बढ़ता है, कैपिटल जितना भी हम लोगों ने बिजनेस में लगाया, मान लो कैपिटल लगाया 100 रुपए, प्रॉफिट कमा लिए 10 रुपए, ठीक है, तो मेरा कैपिटल बढ़ गया 110, और मैंने और भी बिजनेस में कैपिटल डाल दिया 20 रुपए, तो मेरा कैपिटल 130 हो गया, तो मेरा कैपिटल कैसे बढ़ सकता है, एडिशनल कैपिटल दे के या फिर प्रॉफिट से। तो अगर प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि वो कैपिटल को कैपिटल में ऐड होकर कैपिटल को बढ़ा रहा है, फिर ये इन्वेस्टमेंट होगा नेक्स्ट ईयर, तो कैसा एंट्री होता है, देखो प्रॉफिट जब जनरेट होता है तो एंट्री ऐसे होता है, प्रॉफिट पीएल अकाउंट में दिखता है, पीएल टू नेट प्रॉफिट ये एंट्री आता है, ठीक है, जब प्रॉफिट जनरेट होता है। अब यही वाला नेट प्रॉफिट जब कैपिटल में जाएगा, कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल एक लायबिलिटी है तो टू कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ये नेट प्रॉफिट जो है इसको हटाओ तो नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट जो है ये कैपिटल में चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो ये वहां पर ऐड हो जाएगा, इस तरह से ऐड होता है, तभी तो कैपिटल बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई ट्रांसफर एंट्री है तो वो भी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने डिटेल्स में देख लिया कि कौन कौन सा सब्सिडियरी बुक्स में जाता है, कौन सा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि तुम लोग को ये सब रटना पड़ेगा, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग को ये तो पता है ना सब्सिडियरी बुक्स में क्या क्या जाता है, बस बाकी जो वहां पर नहीं जाएगा वो सभी जर्नल प्रॉपर में जाएगा, तो अलग से ऐसे रटने का कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन कुछ पॉइंट्स है स्पेसिफिकली बताया है तो मैंने वो तुम लोग को क्लियरली समझा दिया। अब ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने तुम लोग को करवा दिया, यहाँ पर अमाउंट जो है कुछ अलग है। ये देखो जैसे यहाँ पर बोल रहा है
रिटर्न टू गोयल मिल्स ये क्या बनाने के लिए बोला है, परचेज रिटर्न, तो रिटर्न टू गोयल मिल्स ये एंट्री होगा, ठीक है। ये देखो डेबिट नोट नंबर दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि परचेज किया था हम लोगों ने, अब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग कस्टमर है, ठीक है, हम लोग कस्टमर है, तो इसीलिए ये अल्फा एंड कंपनी जो है ये कस्टमर है किसकी, गोयल मिल्स सूरत की, उनको रिटर्न किया जा रहा है, तो इन्होंने डेबिट नोट इशू किया। ये देखो डेबिट नोट 101, गोयल मिल्स वाला रिकॉर्ड होगा 1000 × 5, 5000, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, गर्ग मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर कैश, ये नहीं होगा, कैश वाला है, मेरा जो क्वेश्चन था वैसा ही यहाँ पर भी दिया हुआ। रिटर्न टू मित्तल मिल्स ये वाला भी रिकॉर्ड होगा, 5 सिल्क का 2650 रुपए करके ये रिकॉर्ड होगा। रिटर्न वन कंप्यूटर ये नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये हमारा मर्चेंडाइज गुड्स तो है नहीं, क्योंकि ये तो साड़ी बिजनेस है, साड़ी डीलर है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से देखो ये हमारा कंप्लीट हुआ जो भी था। अब थोड़ा सा तुम लोग उनसे ट्रू फॉल्स एक बार पूछ लेते, देखते हैं तुम लोग क्या बताते हो। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक इंक्लूड्स ओनली परचेस ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, समझा देते हैं। ट्रांजैक्शन जो परचेस बुक में रिकॉर्ड होता है, क्या वो सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है? मतलब ऐसा परचेस जो क्रेडिट में हुआ है, क्या सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है? इज इट ट्रू और फॉल्स, बताओ। बोलो। ट्रू मैम। ट्रू, करेक्ट, ट्रू, ट्रू होगा। परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस है ना। ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक, फिर से पढ़ो देखो। ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट, क्या वो परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा? बोल रहे परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा, ट्रू या फॉल्स बताओ। फॉल्स, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग तो स्टॉक जो हम लोग सेल करने के लिए खरीद रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टॉक फिक्स्ड एसेट होता है कि करंट एसेट होता है? ऑब्वियसली करंट एसेट होता है, ठीक है। अच्छा तो ये फॉल्स हो जाएगा। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, कैश सेल्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा? सेल्स बुक में कैश सेल्स रिकॉर्ड होगा? सोचो, कैश सेल का एंट्री क्या होता है? कैश सेल का एंट्री होता है कैश टू सेल्स। फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा क्रेडिट सेल का ही रिकॉर्डिंग होगा ना। अच्छा, सब्सिडियरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? फर्स्ट डे का क्लास सोचो, तब मैंने क्या बोला था तुम लोग को, सब्सिडियरी बुक्स हम लोग क्यों बनाते हैं? सब्सिडियरी बुक्स इसलिए बनाते हैं ताकि जर्नल का जो बर्डन है वो कम हो जाए। मैंने एग्जाम्पल दिया था, दो पर्सन है, मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है, इनका पर डे 20 से 30 ट्रांजेक्शन होता है, इनका 50 से 100 ट्रांजेक्शन होता है। ये अगर सारा का सारा ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते जाए, इनका जर्नल जो है वॉल्यूमनस हो जाएगा, इनका जो क्लरिकल वर्क है वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। लेकिन सब्सिडियरी बुक्स जो प्रिपेयर होता है उसका जो प्रोसेस है, देखो अभी तक किया हुआ है, पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है डेटा कलेक्शन, कहां से करना पड़ता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से। फिर सेकंड स्टेज इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको ही क्या बोला जाता है, जर्नल। अब अगर हम लोग जर्नल को सिर्फ जर्नल की तरह रिकॉर्ड नहीं करके अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसे ही बोला जाता है सब्सिडियरी बुक, ठीक है। सब्सिडियरी बुक क्या है, ये देखो, साइकिल वी हैव एक्सप्लेन दैट सम कंपनीज प्रेफर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जर्नल बुक, वेयर सम अदर प्रेफर टू डिवाइड जर्नल बुक। जर्नल बुक को ही डिवाइड कर रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स में, या फिर इसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट बुक भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये तो जर्नल ही है, लेकिन इसको जर्नल की तरह रिकॉर्ड नहीं करके एक बुक्स जो होता है इसका अलग फॉर्मेट में, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट करके हमें कोई अकाउंटिंग टेक्निक नहीं लगाना है, नॉर्मल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बस एक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कि कौन से बुक्स में क्या रिकॉर्ड होगा। अब मुझे बताओ, क्या ओरिजिनल एंट्री किसको बोला जाता है? ओरिजिनल एंट्री जर्नल को बोला जाता है। क्या सब्सिडियरी बुक्स जर्नल की तरह ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है सोर्स डॉक्यूमेंट से? बस उसका फॉर्मेट वगैरह अलग है, कुछ गाइडलाइन के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। तो सब ये क्या होगा, इसका मतलब ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बोलो, मैंने सारा चीज तो समझाया, आगे भी बोला था इसके बारे में, तो तुम लोग बताओ। ट्रू होगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बुक एक सब्सिडियरी बुक है, पूछ रहा है। बिल्स रिसीवेबल इज अ सब्सिडियरी बुक, ये स्टेटमेंट है, इज इट ट्रू और फॉल्स? बिल्स रिसीवेबल बुक, ये देखो मैंने ट्रू मैम, ट्रू। ये देखो, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, सारे चीज तो लिख पाया था। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड बुक इज आल्सो नोन एज परचेस रिटर्न बुक, जो रिटर्न इनवर्ड है क्या वही परचेस रिटर्न है? सोचो, रिटर्न इनवर्ड मतलब हमारे पास बैक करके आ रहा है, तो हमारे पास क्या बैक करके आ सकता है? जो हम लोगों ने खरीदा था, जो बेचा था, क्या बैक करके आएगा? इनवर्ड मतलब बैक करके आना, तो क्या बैक करेगा, जो खरीदा था या जो बेचा था, क्या रिटर्न आ सकता है?
जो सेल्स किए थे, जो हम लोग सेल्स किए थे वो रिटर्न आ सकता है. तो इज इट सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, तो वो क्या है, सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? रिटर्न इन्वर्ट फिर क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न. लेकिन ये लोग बोल रहे हैं परचेज रिटर्न, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स. फॉल्स, ठीक है. परचेज ऑफ ए सेकेंड हैंड मशीन, हम लोग एक सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं, क्या ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा? हम लोग एक सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं, क्या ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा? फॉल्स होगा, नहीं रिकॉर्ड होगा. क्योंकि नॉर्मली मशीन, जब तक हमें नहीं बताए कि मशीन का, मशीन बेचना खरीदना हमारा बिजनेस है, तब तक हम लोग नॉर्मली मशीन, बिल्डिंग, ये सबको फिक्स्ड एसेट ही मानते हैं ना. लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये जब तक हमें नहीं बताए कि इसका बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, तब तक ये हम लोग फिक्स्ड एसेट ही मानते हैं. टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, अब देखो आज ही किया था, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, इसका टोटल हम लोग निकाल रहे हैं. जो ऐसे अभी देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक हम लोगों ने आज ही सीखा ना, ये देखो सेल्स रिटर्न बुक कहाँ गया, सेल्स बुक, ये रहा सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल, ठीक है, याद रखो ठीक से, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल. अब क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट. अब ये सेल्स रिटर्न अकाउंट बन गया, ये देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट मैंने बनाया था, ठीक है. अब इसका जो टोटल है, इसका जो टोटल है ये किधर रिकॉर्ड हुआ है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, इसीलिए एंट्री करके हम समझा रहे थे ताकि तुम लोग ये सब एमसीक्यू आराम से बता सको. तो अगर हम ये नहीं भी करवाते हैं, तुम लोग एंट्री याद करके कर सकते हो. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्स रिटर्न बुक का टोटल, क्वेश्चन कैसे बोला है, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के किधर पोस्ट होगा, ये किधर पोस्ट है, ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड. चलो रीड करो, देखो टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक, तब सही है, ट्रू है. इसका मतलब ये आंसर क्या है हमारा, ट्रू है. यस मैम, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू है. इफ द सेल्स आर ऑन ए फ्रीक्वेंट बेसिस, अगर बार बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल हो रहा है, अच्छा बात है, सेल करना ही तो काम है. द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, तो क्या हमने सेल्स बुक फॉलो करना चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में सेपरेटली रिकॉर्ड करना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा किसी का सेल है तो क्या उसे सेपरेट बुक मेंटेन कर रिकॉर्ड करना चाहिए? देखो, If the sales are on frequent basis, the transaction are recorded in sales book. Sales book एक subsidiary books है. Subsidiary books क्यों बनाया गया है? ताकि जिनका number of transaction बहुत ज्यादा है उनको problem ना हो, ठीक है, उनको problem ना हो ढूंढने में, एक एक transaction ढूंढने में काफी time ना लग जाए, गलती ना हो जाए, मतलब errors ना हो जाए, इस वजह से तो अलग अलग separate book हम लोग maintain करते. मैंने example दिया था ना, तुम लोग एक ही जगह पे accounts भी लिख रहे हो, एक ही जगह पे maths भी लिख रहे हो, law भी लिख रहे हो, ढूंढ के कैसे मिलेगा, ठीक है. अगर रोज हम लोग बहुत सारा maths करते, बहुत सारा accounts करते तो ढूंढना impossible है. लेकिन मान लो हम महीने में एक या दो बार ही लिखने वाला काम करवाते, तो तुम लोग एक ही जगह पे लिख सकते हो, उतना पेजेस लगेगा ही नहीं, तो आराम से ढूंढ पाओगे मैंने कब कौन सा क्या लिखवाया था. लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे कुछ लिखवाते हैं तो तुम लोग को अलग अलग बुक मेंटेन करना ज्यादा बेटर रहेगा, अलग अलग कॉपी. तो बताओ, इसी वजह से तो पर्पस ही तो वही था सब्सिडियरी बुक्स का. तो मुझे ये बताओ कि अगर बार बार सेल हो रहा है तो हमें सब्सिडियरी बुक्स यानी सेल्स बुक मेंटेन करना चाहिए कि नहीं? यस ट्रू, ट्रू, ट्रू हो जाएगा. अच्छा चलो, अब एमसीक्यूज जो है दो चार. इन परचेज बुक द रिकॉर्ड इज इन रेस्पेक्ट ऑफ, परचेज बुक में कैसा रिकॉर्डिंग होता है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, ऑल परचेज, बताओ ऑल परचेज ऑफ गुड्स क्या रिकॉर्ड होता है? मैम बी, क्रेडिट परचेज. करेक्ट, बी क्रेडिट परचेज. अच्छा सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड होता है सेल्स रिटर्न बुक में, बोलो कौन बोलेगा? रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस, ये तो नहीं होगा क्योंकि सेल्स रिटर्न है. रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेस, परचेस का तो कोई सवाल ही नहीं है भाई, सेल्स रिटर्न बोल रहे हैं, परचेस के साथ क्या लिंक है? रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जो गुड्स बेचा था उसका रिटर्न. सेल्स बुक, सेल्स बुक क्या है फिर से देखो, सेल्स बुक अभी जो समझाया उसी पे डिपेंड करके है क्वेश्चन. इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, इज अ पार्ट ऑफ लेजर, इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बताओ. सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट. अभी थोड़ी देर पहले समझाया था सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है, ये बुक्स ऑफ ओरिजिन जर्नल. हाँ, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज अ जर्नल हो जाएगा, ठीक है, ये जर्नल का ही एक दूसरा फॉर्मेट है. द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेज बुक इज, अगर मान लो वीकली या मंथली हम लोग अपने परचेस बुक को टोटल करते हैं, अब इसको पोस्ट करेंगे,
फिर से वही वाला क्वेश्चन आया, तो परचेस बुक में हमें टोटल ऑफ परचेस मिल गया, क्रेडिट परचेस। अब हम लोग कहां पर इसको रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियसली परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो ऑप्शन भी तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, सेल्स अकाउंट में थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। तो परचेस अकाउंट में जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में? सोचो परचेस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, एंट्री सोचो, क्रेडिट परचेस डेबिट में होगा, ठीक है, डेबिट में होगा, क्योंकि हम लोग एंट्री क्या करते हैं, परचेस टू क्रेडिटर, है ना, तो टू टोटल फ्रॉम परचेस अकाउंट, सॉरी परचेस बुक, तो ये हो जाएगा पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द परचेस अकाउंट, 4 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये देखो फिर से, परचेस अकाउंट टोटल इतना हुआ था, टू अमाउंट एज पर परचेस बुक, क्योंकि परचेस टू क्रेडिटर, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा, पहला बात है, सेल्स बुक का टोटल जो है वो तो सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा, तो पहला ये तो ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही कट हो जाता है, क्योंकि बोला है क्रेडिट ऑफ परचेस अकाउंट, ये पॉसिबल नहीं, क्रेडिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये भी परचेस नहीं, सेल्स बुक का टोटल जो है ये सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा, सेल्स बुक का टोटल जो है वो सेल्स अकाउंट में पोस्ट होगा, लेकिन किधर होगा, यहाँ तो एक ही ऑप्शन है, वैसे तुम लोग क्रेडिट इस पे टिक लगा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 का है, वैसे भी हमारा एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल, तो बाय डेटर, लेकिन हम लोग डेटर तो नहीं लिखते, बाय अमाउंट एज पर क्या लिखेंगे, सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में टोटल अमाउंट जो मिला था वही, आज ही तो हम लोगों ने इस पे किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स, विल यू रिकॉर्ड एन अलाउंस ऑफ 50 वाज ऑफर्ड फॉर एन अर्ली पेमेंट ऑफ कैश ऑफ 1050। अभी आज जो हम लोग थियोरिटिकल पढ़ रहे थे वहीं पर हम लोगों ने देखा कि अगर कस्टमर से कुछ चार्ज करते हैं या कस्टमर को कुछ अलाउ करते हैं तो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम तुम लोग को पढ़ के सुना रहे थे कि कस्टमर को अगर कुछ कैश बुक में, देखो ठीक से, जर्नल प्रॉपर भी दिया है, हाँ कैश बुक में भी हो सकता है, ठीक है, कैश बुक में होगा, क्योंकि ये अलाउंस जो है ये हम लोग अर्ली पेमेंट के लिए दे रहे हैं कैश ऑफ 1050। रुको एक मिनट, देख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ था, ये देखो, एन अलाउंस टू गिवन टू कस्टमर और ए चार्ज टू बी मेड टू देम आफ्टर द इशू ऑफ द इनवॉइस, ये कहां पर रिकॉर्ड होगा, ये सब तो बोल रहा है कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, ये देखो, ये सब तो जर्नल प्रॉपर में बोल रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, हाँ जर्नल प्रॉपर में होना चाहिए, ये वाला जर्नल प्रॉपर में होना चाहिए, कैश बुक में नहीं होगा, ये जर्नल प्रॉपर में होना चाहिए। आंसर में देखते हैं क्या दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है, अच्छा हाँ मुझे दिख रहा है कैश बुक दिया हुआ है, लेकिन ये तो जर्नल प्रॉपर में होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने तो खुद ही बोला है, वैसे भी अगर कस्टमर को हम लोग अलाउंस दे रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, कस्टमर से पैसा मिलता है तो कैश डिस्काउंट अलाउड टू क्या हो जाएगा, डेटर, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। अगर इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं तो दो एंट्री आता है, एक तो आता है कैश टू डेटर, ठीक है, और एक आता है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। तो ये कैश बुक में कब आता है, देखो कैश बुक जब हम लोग करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा, कैश बुक में भी हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर कैश बुक में हमारा डिस्काउंट कॉलम है, कैश बुक में अगर डिस्काउंट कॉलम है, जब हम लोग कैश बुक करेंगे तब समझ में आएगा, जब कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम होता है तब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कैश बुक में, ठीक है, लेकिन वैसे तो ये जर्नल प्रॉपर में नॉर्मली आना चाहिए, क्योंकि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला है, ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, ये आंसर तो इन्होंने कैश बुक दिया है, कैश बुक में भी आता है, क्योंकि कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम होता है तो कैश बुक में आता है, लेकिन जर्नल प्रॉपर में भी तो आएगा, जनरल जर्नल है, ये तो आना चाहिए, 6 का ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है, ये ना एक बार हम देख लेंगे कि कंफर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जगह मेरे हिसाब से हो रहा है, कैश बुक भी गलत नहीं है क्योंकि कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में आता है, और जर्नल प्रॉपर में भी आएगा, क्योंकि अगर कोई दूसरे सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आएगा तो जर्नल प्रॉपर में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट है कि कौन सा एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, बी या सी में से कौन सा ज्यादा परफेक्ट है वो एक बार देख के मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक बार पॉइंट आउट करके रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लिख के रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, मुझे तो दोनों आंसर ही करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन कोई तो एक होगा, कोई एक होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये हम पॉइंट आउट करके रखते हैं, नेक्स्ट दिन बताएंगे।
अच्छा अब देखो इस सेकेंड हैंड मोटर कार, ये अगर हम लोगों ने परचेस किया है क्रेडिट में बी ब्रदर्स से 10,000 रुपए का, विल बी रिकॉर्डेड इन, कहाँ रिकॉर्ड होगा? हम लोगों ने क्रेडिट में परचेस किया है मोटर कार, अब कुछ नहीं पता है तो मोटर कार हमारा फिक्स्ड एसेट है तो ये सेल तो नहीं किया है, सेल्स बुक में नहीं जाएगा। परचेस किया है तो कैश में भी नहीं खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है तो कैश बुक में नहीं जाएगा। परचेस बुक में जा सकता था अगर ये हमारा गुड्स होता, लेकिन ये तो हमारा फिक्स्ड एसेट है तो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा? इसका मतलब सेल्स बुक में नहीं जाएगा, कैश बुक में नहीं जाएगा, परचेस बुक में नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली कहाँ पर जाएगा? जर्नल प्रॉपर ए होगा, जर्नल प्रॉपर, हाँ 7 का ए होगा। और 8 लास्ट दिया हुआ है, इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विल यू रिकॉर्ड ए बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1000 व्हिच वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम ऑफ 1100 इज डिसऑनर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन से और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, मतलब या तो जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में, या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा क्या चीज? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 1000 रुपीज का विच वॉज रिसीव फ्रॉम ए डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम 1100 इज डिसऑनर्ड। 1100 के अगेंस्ट में फुल सेटलमेंट हुआ है 1000 रुपीज के साथ, लेकिन बिल्स जो है वो डिसऑनर हो गया। अब मुझे बताओ ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? परचेस रिटर्न के साथ तो इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है? बिल्स रिसीवेबल और जर्नल प्रॉपर, ये दोनों को हमें जर्नल प्रॉपर, क्योंकि डिसऑनर होने से जर्नल प्रॉपर में होता है, ठीक है? बिल्स ड्रॉ वगैरह जब होता है तब वो बिल्स रिसीवेबल में जाता है, बिल्स ड्रॉ जब होता है तब वो बिल्स रिसीवेबल बुक्स में जाता है। तो ये हम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तुम लोग खुद से करके भी देख सकते हो, ठीक है? ये आसानी है। किस चीज का बोला है? सेल्स बुक का बोला है, आई थिंक, हाँ सेल्स बुक का बोला है। तो हम यहाँ से एक बार बता देते कौन कौन सा आएगा। ये देखो, सोल्ड मेसर्स अंजन दिल्ली, 5 पीसेस ऑफ ओवन ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट, 5 पीसेस ऑफ ओवन इन्होंने बेचा है, ठीक है? तो नाम तो कुछ नहीं दिया है, सॉरी कैश तो नहीं बोला है, तो फिर ये क्रेडिट ही होगा। तो 6000 × 5 कितना हो जाएगा? 30,000 और उस पर 10% डिस्काउंट यानी 3000, तो 27,000 का एक आ जाएगा। सोल्ड टू मेसर्स अंजन इलेक्ट्रिकल प्लाजा 10 पीसेस ऑफ टैबलेट्स, ये कितना? 8000 करके, ठीक है? तो 8000 × 10 ये हो जाएगा 80,000 और 5% का डिस्काउंट यानी 4000, तो ये लेस होके बन गया 76,000, ये भी आ जाएगा, क्रेडिट में था। सोल्ड टू मेसर्स हरियाणा ट्रेडर्स 5 पीसेस ऑफ जूसरी जूसर्स, अच्छा सॉरी जूसर्स 3500, तो ये भी आएगा, ये भी क्रेडिट में था। तो 3500 × 5 देख लेते हैं कितना होता है, 3500, 17,500 और 10% का डिस्काउंट, तो 1750, ठीक है 1750, तो ये हो जाएगा 15,750। अब ये सब टोटल कर दो, 15,750 और 76,000 और 27,000, तो टोटल जो है सेल्स वो हो जाएगा 1,18,750, ठीक है 1,18,750 हो जाएगा। ये तुम लोग का सब्सिडियरी बुक्स बन गया सेल्स का। उसके बाद तुम लोग को बोला है कि इसका पोस्ट पेमेंट टू लेजर भी करने के लिए, तो अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, तुम लोग कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी तुम लोग हेल्प ले सकते हो। ये यहाँ पर किया तो अंजन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक प्लाजा हरियाणा ट्रेडर सेल्स अकाउंट, बस। तो जैसे मैंने लिखा है ना, बाय टोटल अमाउंट, इसके जगह देखो ये लैंग्वेज भी यूज हो सकता है, बाय सन्ड्रीज, ठीक है? सन्ड्रीज मतलब बहुत सारे डेटर है, सबका नाम अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, सन्ड्रीज बोल के बोल दिया हम लोगों ने और टोटल इतना हो रहा है 1,18,750, 3 डेटर को मिला के हो रहा है। अगर हम लोग पूरा नाम नहीं लिखेंगे तभी तो वो सब्सिडियरी बुक्स कहलाएगा ना, डिटेल्स में नहीं लिखना है, इंडिविजुअली डिटेल्स में नहीं लिखना है। तो हम लोग या तो लिख सकते हैं बाई अमाउंट एज पर सेल्स बुक, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बाई सन्ट्रीज, तो ये लैंग्वेज भी चलेगा। बता दिया मैंने, ये नहीं बताया तो फिर तुम लोग को लगेगा कि बाई सन्ट्रीज क्या होता है, तो बाई सन्ट्रीज होगा। तो ठीक है, हमारा सब्सिडियरी बुक्स जो है फुल्ली कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो अब तुम लोग अपने हिसाब से इसको रेडी कर लेना।